हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बीहाइव टेक्स्ट बुक का 11th और लास्ट चैप्टर इफ आई वर यू का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को लिखा गया है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर डगलस जेम्स को द्वारा। यह एक प्ले है, एक नाटक है और इसमें आपको मिलेगा मिस्ट्री, सस्पेंस, सरप्राइज और ह्यूमर। तो आइए इस प्ले को हम लोग लाइन बाई लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लिखा गया है जिराड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज। सबसे पहला कैरेक्टर इस प्ले का हम लोग के सामने नजर आता है और उसका नाम क्या है, जिराड नाम है। ओके, जिराड लिव्स अलोन, या अकेला रहता है इन ए लोनली कॉटेज। कॉटेज बोलते हैं एक छोटा सा घर, जनरली इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटा सा घर होता है उसको बोलते हैं कॉटेज। ओके, झोपड़ी टाइप का हट, और वो एक लोनली कॉटेज में रहता था, अकेला रहता था, उसके आसपास कोई भी घर नहीं थे। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर बच्चों बोलते हैं वो ऐसा पर्सन जो किसी घर में इंट्रूड करता है, इंटर करता है बिना कोई परमिशन के, बिना कोई इन्विटेशन के, उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रूडर। तो एक इंट्रूडर है हु इज अ क्रिमिनल, जो कि एक क्रिमिनल भी है, क्या करता है, इंटर्स हिज कॉटेज, वो जिराड के कॉटेज में इंटर कर जाता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड, और वो इरादा रखता है जिराड को मर्डर करने का। एंड टेक ऑन, टेक ऑन मतलब अक्वायर, हासिल करना, टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और जिराड के आइडेंटिटी को वो अपना लेना चाहता है। डज ही सक्सीड, तो क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो पाता है। तो बच्चों, हम लोग प्ले को अब पढ़ते हैं और पता करते हैं क्या है जो वो इंट्रूडर, क्या जिराड को किल करके उसके आइडेंटिटी को वो हासिल कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए वो जिराड की तरह बन करके रहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। जो सबसे पहले बच्चों कुछ वर्ड्स दिया गया है, कुछ फ्रेजेज हैं और इसके मीनिंग को मिलाना है, हम लोग इसको पहले मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड हम लोग के सामने लिखा हुआ है कल्चर्ड। बच्चों, कल्चर्ड का मतलब होता है यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड। ओके, काउंटाउन का मतलब होता है, काउंटाउन का मतलब होता है यहाँ पे दिया गया डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन। ओके, इंगेज्ड का मतलब होता है, इंगेज्ड का मतलब होगा यहाँ पे ऑक्यूपाइड, बिजी। मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक का मतलब हो जाएगा एग्जेजरेटेड। ओके, टू बी स्मार्ट, टू बी स्मार्ट का बच्चों मतलब होगा यहाँ पे, ये अमेरिकन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, इस फ्रेज को यूज हम अमेरिकन इंग्लिश में करते हैं, एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर। ओके, फिर देखिए इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे हेयर, अ टोन ऑफ वॉइस। ओके, फिर देखिए वाइज गाय, वाइज गाय का मतलब अमेरिकन इंग्लिश, इस फ्रेज का यूज अमेरिकन इंग्लिश में करते हैं और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट। ओके, अ डैंडी बस, अ डैंडी बस का मतलब होता है एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर ए फैशनेबल व्हीकल। ट्रेड्स पीपल का मतलब होता है मर्चेंट। ओके, और ग्रेट्यूटस का मतलब होता है यहाँ पे देखिए अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल, इसको बोलते हैं ग्रेट्यूटस। डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना, यहाँ पे दिया गया है। लकी ब्रेक, लकी ब्रेक का मतलब होगा एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। ओके, संडे स्कूल टीचर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये अ क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर हु टीचेस ऑन संडेज इन चर्च। और फ्रेम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ट्रैप से। ओके, तो हम लोग इसको मिक्स कर लिए। अब आइए बच्चों हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ सीन स्टार्ट होता है, पहले बताया गया है कि कौन से चीज़ें हैं जो कहाँ पे रखी गई है। यहाँ लिखा गया है अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटा सा कॉटेज के अंदर का बारे में बताया जा रहा है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, पीछे दाहिने साइड में क्या है, एक एंट्रेंस है, मे बी कर्टेन, और शायद वो जो एंट्रेंस है ना वो कर्टेन, पर्दा लगा हुआ वहाँ पे। अनदर डोर टू द लेफ्ट, मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और बाएँ साइड में एक डोर है जो कि प्रैक्टिकल डोर है, वहाँ से लोग आते जाते होंगे। द फर्नीचर इज सिंपल, फर्नीचर घर का सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल, फर्नीचर के रूप में वहाँ पे एक छोटा सा टेबल है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाएं साइड में अ चेयर और टू, एक या दो कुर्सियाँ वहाँ रखी हुई है। एंड ए दीवान, एक दीवान बेड है। रैदर अप स्टेज, अप स्टेज मतलब टुवर्ड्स द बैक ऑफ द स्टेज, वह स्टेज के पीछे में एक दीवान बेड लगा हुआ है। ऑन द राइट, दाहिने साइड में। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पे एक टेलीफोन रखा हुआ है। तो ये सारा हम लोग को आइडिया मिल गया सीन के बारे में। अब देखिए क्या होता है, When the curtain rises, जब भी स्टेज पे कर्टन, पर्दा उठता है, इसका मतलब है कि नाटक शुरू हो गया, प्ले शुरू हो गया है। तो when the curtain rises, Gerard is standing by the table, Gerard को पाया जाता है कि टेबल के बगल में वो खड़ा है, making a phone call, और वो फ़ोन पे बात कर रहा है। He is of medium height. अब Gerard के बारे में बताया गया कि Gerard का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो मीडियम हाइट का पर्सन है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेज, ग्लासेज मतलब यहाँ पर स्पेक्टेकल्स चश्मा, और वो ऐसा चश्मा पहना हुआ है जिसको बोला गया हॉर्न रिम्ड। बच्चों हॉर्न रिम्ड किसको बोलते हैं, तो
तो जो ग्लासेस का जो फ्रेम होता है ना वो थिक प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी एनिमल के हॉर्न का बना हुआ है, सिंग का बना हुआ है। इसी कारण से उसे बोला जाता है हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। तो वो हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स बना हुआ था, ग्लासेस बना हुआ था। ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट, और वो लॉन्ग सूट पहना हुआ है। बच्चों लॉन्ग सूट बोलते हैं एक फॉर्मल सूट को ही, जिसका जो सूट होता है जनरली उसका कलर पैंट से मैच करता है। तो लॉन्ग सूट पहना हुआ है एंड अ ग्रेट कोट, और एक ग्रेट हैवी कोट अपने बॉडी पे पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसका वॉइस कल्चर्ड है, सब है, वेल मैनर्ड है। बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो कल्चर्ड पर्सन है, वेल मैनर्ड पर्सन है। अब देखिए जिराट फोन पे बात करते हुए हम लोग को यहाँ पे मिलता है। जिराट बोल रहा है वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, किसी दूसरे आदमी से फ़ोन पे बात कर रहा है और बोला ठीक है उसको हमको डायरेक्टली फ़ोन करने के लिए बोलिए। आई मस्ट नो डॉट डॉट, इसका मतलब कुछ और भी आगे बोलता है और ये जो ऑथर हैं जो हम लोग को बताना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए डॉट डॉट यहाँ पे। यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, ठीक है जिराट बोलता है कि मैं यहीं पर अभी रहूँगा, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय, लगभग 10 मिनट के टाइम में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस तरह से ऐसा मीनिंग निकल रहा कि वो किसी आदमी से बोल रहा है, पर्सन से, कि मैं 10 मिनट के टाइम में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, गुड बाय। ठीक है, फिर वो देखिए क्या होता है। ही पुट्स डाउन द फोन, वो फ़ोन को रखता है एंड गोज टू द दीवान, और जो बेड लगा हुआ है उसके पास जाता है ऑन द लेफ्ट, बाएं साइड में दीवान लगा हुआ है वहाँ पर जाता है। वेयर देर इज अ ट्रेवलिंग बैग, वहाँ पर एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग करना शुरू कर देता है। वाइल ही इज दस इंगेज, जब वो पैकिंग करने में इंगेज था, ऑक्यूपाइड था, बिजी था, अनदर मैन, तो दूसरा व्यक्ति सिमिलर इन बिल्ड टू जिराट, वो जिराट के बॉडी स्ट्रक्चर का ही जैसा वो आदमी लग रहा था। इन बिल्ड मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में के जैसा, तो सिमिलर इन बिल्ड टू जिराट एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, दाहिने साइड से वो पर्सन है जो इंटर करता है साइलेंटली, चुपके से, रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, गन है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड, फ्लैशली ड्रेस्ड मतलब कि इस रूप से ड्रेस होना जो कि आप दूसरे पर्सन के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट। वो ओवर कोट मतलब कि लॉन्ग हैवी कोट, वार्म कोट पहना हुआ है एंड ए सॉफ्ट हैट, और एक हैट पहना हुआ है जो कि सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। ही बम्स एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब नॉट डिलीवरेटली, जानबूझकर नहीं। तो वो क्या करता है ना कि जैसे ही रूम में एंटर करता है तो एक टेबल से, अगेंस्ट द टेबल, टेबल से वो बम्प करता है, हिट करता है, और वो स्टैगर करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। एंड एट द साउंड जिराट टर्न्स क्विकली, और जैसे ही जिराट सुनता है कि किस चीज़ से टकराने की आवाज़ हुई है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे कमरे में, रूम में कौन आ गया है मेरे कॉटेज में। देखिए जिराट बोलता है प्लीजेंटली, जिराट बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, प्लीजेंट मैनर में बोलता है वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, ये क्यों, ये तो एक सरप्राइज है मिस्टर अर, ये अर साउंड का यूज अब तक करते हैं व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट टू से नेक्स्ट। ओके, तो जिराट बोलता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये तो सरप्राइज है। अब देखिए जिराट बिल्कुल भी उसे देख करके शॉक्ड नहीं है, क्योंकि उस पर्सन के हाथ में गन है, फिर भी जिराट बिल्कुल शॉक्ड नहीं है। इंट्रूडर बोलता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, इंट्रूडर बोला कि मैं खुश हूँ जो कि तुम मुझे देख करके प्लीज्ड हो, अच्छे महसूस कर रहे हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम बहुत देर तक प्लेस्ड रहोगे, खुश रहोगे। पुट दोज पॉज अप, यहाँ पे पॉज मतलब अपने हैंड्स, तुम अपने हाथ को ऊपर करो नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। इस तरह से वो गन को सामने रख करके इंट्रूडर है जो जिराट को बोलता है कि पुट दोज पॉज अप, अपने हाथ को ऊपर करो। जिराट देखे क्या बोलता है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, ये तो बहुत मेलोड्रामेटिक हो गया, जिराट बोल रहा है इंट्रूडर को। मेलोड्रामेटिक मतलब कि ऐसा सिचुएशन जिसको आप ज़्यादा सीरियस वे में ट्रीट करते हो। तो जिराट बोलता है कि कुछ ये ज़्यादा मेलो ड्रामेटिक नहीं हो गया, नॉट वेरी ओरिजिनल, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग रहा है, परहैप्स बट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ बोलता है जिराट। इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड अर, मतलब कि चुप रहने की कोशिश करो, अर बताए थे अर साउंड का यूज तब करते हैं व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट टू से नेक्स्ट। इस तरह से इंट्रूडर बोल रहा है जिराट को कि तुम काम चुप रहने की कोशिश करो। जिराट बोलता है नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट मतलब अनकंसर्नड, नॉट वरीड, बहुत ही रिलैक्स्ड, काम। नॉन चैलेंट इज योर वर्ड, तुम्हारा वर्ड बिल्कुल नॉन चैलेंट है, कुछ भी उसमें वजन नहीं है, तुम बिल्कुल वरीड नहीं महसूस हो रहे हो, आई थिंक मतलब बहुत ही नॉर्मल वे में बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जिराट बोलता है कि तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तुम्हारा वर्ड्स भी सीरियस नहीं है। इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अलॉट, धन्यवाद ऐसा कहने के लिए। इंट्रूडर बोलता है यू विल सून स्टॉप बींग स्मार्ट, तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना मेरे साथ, तुम बहुत जल्द स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पैर पे क्रॉल मतलब कि नीचे अपने पैर पे चला सकता हूँ बैठ करके, जैसा कोई स्नेक वगैरह क्रॉल करता है,
क्रोकोडाइल क्रॉल करता है, तो मैं उसको तरह उसी की तरह मैं तुमको भी ज़मीन पे क्रॉल करा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, तुम समझो इस बात को और बताओ। तो इंट्रूडर बोलता है कि कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ तुमसे और वो बताओ। अब देखिए जिराट क्या बोलता है, जिराट बोलता है एनी थिंग यू लाइक, ठीक है कुछ भी तुम पूछ सकते हो मुझसे। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सारा आंसर्स को जानता हूँ, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को जवाब देने से पहले, शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपने पोजिशन को क्या करूँ, चेंज करूँ, क्योंकि इस तरह से मैं अपने हाथ को खड़ा करके एक ही जगह खड़ा रह करके मैं तुम्हारे क्वेश्चन को जवाब नहीं दे सकता हूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम कम्फर्टेबल हो सकते हो अपने पोजिशन में लेकिन मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि इस पोजिशन में मैं बिल्कुल भी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आई नीड टू चेंज माई पोजिशन, ऐसा बोलता है जिराड इंट्रूडर को। अब देखिए इंट्रूडर बोलता है सिट डाउन देयर, बोलता है ठीक है तुम वहीं बैठ जाओ अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई फनी बिजनेस नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बी सीरियस। और इंट्रूडर क्या करता है, मोशंस टू ए चेयर, वो खुद एक चेयर की तरफ बढ़ता है एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और दीवान जो बेड लगा हुआ था बैग के बगल में वो खुद बैठ जाता है। नाउ देन, अब वो बोलता है अब वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम लोग एक अच्छा थोड़ी सी कुछ बात करेंगे तुम्हारे बारे में। जिराट बोलता है एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, चलो बहुत दिनों के बाद मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिलता है। मतलब सिंपैथेटिक बोलते हैं कि जब भी आप किसी दूसरे पर्सन के फीलिंग्स को समझते हैं, पेन को समझते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं तो वैसे पर्सन को बोलते हैं सिंपैथेटिक। ओके, तो जिराट बोलता है बहुत दिनों के बाद मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला है जो कि मेरे बातों को आराम से सुनेगा। ओके, मेरे फीलिंग्स को आराम से सुनेगा। और वो बोलता है जिराट आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिराट बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपना लाइफ का कहानी बताऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, कि कैसे मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। मतलब जिप्सीज किसको बोलते हैं, तो जिप्सी वैसे पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में घूमते रहते हैं, जिसको खाना बदोश बोलते हैं, घुमंतू लोग बोलते हैं। तो जिराट बोलता है कि मुझे जिप्सी के द्वारा चुरा लिया गया था जब मैं छोटा बच्चा था, तो एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और आज मेरा एज 32 है, 32 साल हो गया है, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, और अभी मैं अपने आप को यहाँ पे अकेला एसेक्स कॉटेज में पाता हूँ। बच्चों एसेक्स ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड का एक छोटा सा प्रोविंस है, एक छोटा सा एरिया है। तो बोलता है कि अभी मैं यहाँ पे इस कॉटेज में अकेला हूँ, हाउ डॉट डॉट, इस तरह से वो कहानी कहीं रहा था अपने बारे में कि इंट्रूडर उसको इंटरप्ट करता है और क्या बोलता है, कीप इट टू योर सेल्फ, तुम इस कहानी को अपने पास रखो एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और सिर्फ तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या बोलता है, यू लिव हियर अलोन वेल डू यू, तुम यहाँ अकेले रहते हो, वेल डू यू है ना, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। बच्चों यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, यू लिव हियर अलोन, ये कोई क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ना होने के बावजूद भी इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए जिराट क्या बोलता है, ये बोलता है आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे क्या कर रहे हो, कह रहे हो ना कि पूछ रहे हो, क्योंकि जिराट बोला अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था डू यू लिव हियर अलोन, लेकिन तुमने तो क्या पूछा, यू लिव हियर अलोन। तो जिराट आगे बोलता है अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, मतलब ये तो इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन हो गया, सवाल हो गया, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, और आपका जो आवाज़ है वो अनफेमिलियर, जाना पहचाना नहीं लग रहा है, बिल्कुल मीनिंग नहीं निकल रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं। इंट्रोडर बोलता है विथ एम्फेसिस, जोर दो करके, देखिए उसी सेंटेंस को वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे चेंज करता है और बोलता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जिराट बोलता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर ना करूँ तो। तो इंट्रूडर बोलता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तो तुम्हारे पास एनफ सेंस है, अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते हो तो तुम इंजर्ड नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारे पास सेंस है कि तुम आंसर करोगे। जिराट बोलता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, जिराट बोलता है कि गुड सेंस दिखाया जाता है कब, पेन को अवॉइड करने में, तकलीफ को अवॉइड करने में हम लोगों को गुड सेंस दिखाना चाहिए, देन इन द मियर डिजायर टू डू सो, ना कि तकलीफ को देने में हम लोगों को गुड सेंस का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा जिराट बोलता है व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, इसके बाद कुछ और आगे कहीं चल रहा था कि अब नहीं बोलता है, और जिराट बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या ख्याल है मिस्टर, कि गुड सेंस का यूज़ तब किया जाना चाहिए किसी दूसरे आदमी को तकलीफ देने के लिए, या गुड सेंस का यूज करना चाहिए तकलीफ से बचने के लिए, तकलीफ को अवॉइड करने के लिए। तो इंट्रूडर क्या बोलता है नेवर माइंड माई नेम, चिंता मत करो मेरे नाम का, क्योंकि यहाँ पे जिराट मिस्टर उसका नाम सोच रहा था क्या नाम है जो, तो समझ जाता है इंट्रूडर कि ये मेरा नाम पूछने वाला है, तो इंट्रूडर क्या बोलता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम का
ख्याल मत रखो, आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारे नाम को अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मिस्टर जिराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, मतलब क्रिश्चियन नेम मतलब कि तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, जन्म के टाइम में जो नेम मिला था तुमको वो क्या है। तो जिराड बोलता है विंसेंट चार्ल्स, मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स, पूरा नाम विंसेंट चार्ल्स जिराड। इंट्रोडर बोलता है डू यू रन ए कार, तो क्या तुम एक कार चलाना चाहते हो। जिराड बोलता है नो, नहीं। इंट्रोडर बोलता है दैट इज़ ए लाई, यह एक झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें कार चलाना नहीं आता है। यू आर नॉट डीलिंग विथ ए फूल, और ध्यान रखो मैं एक फूल नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, तुम एक फूल से डील नहीं करो, तुम एक फूल से कन्वर्स नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि तुम, एंड स्मार्टर, इवन मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूँ कि तुम एक कार को चलाना जानते हो। बेटर बी केयरफुल, वाइज गाई, उसको बोलता है वाइज गाई तुम केयरफुल रहो, तुम झूठ मत बोलो हमसे। जिराड बोलता है आर यू अमेरिकन और इज द मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकन हो, क्योंकि ये वाइज गाई जो ये फ्रेज का यूज़ किया गया वो जनरली अमेरिकन इंग्लिश में करते हैं। तो जिराड बोलता है क्या तुम अमेरिकन हो, और इज दैट मेयरली क्लेवर इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपिंग, नकल, और या क्या तुम सिर्फ एक कॉपी कर रहे हो, नकल कर रहे हो। इंट्रूडर बोलता है लिसन दिस गन इज नो टॉय, ये जो गन है ना मेरे हाथ में ये खिलौना नहीं है, क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो रहे हो, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ तुम मेरे बात को सीरियसली ले नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। तो इंट्रूडर बोलता है लिसन दिस गन इज नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना तुम्हें किल किए हुए भी, एंड आई स्टिल गेट माई आंसर, और फिर भी मुझे आंसर अपना मिल सकता है, मतलब तुम्हें मैं चोट पहुंचा सकता हूँ, दुख दे सकता हूँ बिना तुम्हें किल किए हुए, जान से मारे हुए, और फिर भी मुझे अपना आंसर मिल सकता है। जिराड बोलता है ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, इफ यू पुट इट लाइक दैट, इफ यू पुट इट लाइक दैट मतलब इफ यू से लाइक दैट, इफ यू एक्सप्रेस लाइक दैट, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो अब मैं खुश होऊंगा कि तुम्हें मदद करने में, मतलब कि जो तुम चाहते हो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन का जवाब दूंगा, क्योंकि जिराड को सचमुच में लगने लगा कि सचमुच में हमें किल ना कर दे। तो ये बोलता है आई डू पोजेस ए कार, हाँ मुझे, मैं एक कार पोजेस करता हूँ, मैं एक कार ओन करता हूँ, मेरे पास एक कार है, एंड इट इज़ इन द गराज राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर मतलब वेरी नियर, और ये गराज में बहुत यहीं पर नज़दीक में है, गराज में मेरा कार है। इंट्रूडर बोलता है दैट इज़ बेटर, ये अच्छी बात हुई। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग अधिकांश लोग, क्या लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, डू पीपल ऑफन कम हियर आउट हियर। जिराड बोलता है वेरी रेयरली, कभी कभार आते हैं, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, न के बराबर लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए। और देयर इज़ द बेकर, एक बेकर है जो बिस्किट वगैरह रोटी वगैरह बनाने वाला है, बेचने वाला एक बेकर है, एंड द ग्रीन ग्रोसर सब्जी बेचने वाला है, ऑफकोर्स ये सब लोग आते हैं, एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, और एक दूध वाला आता है, क्वाइट चार्मिंग, दूध वाला को बारे में बोलता है वो क्वाइट चार्मिंग है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी का व्यक्ति है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन इनमें से कोई भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे जितना कि तुम मुझे लग रहे हो। इंट्रूडर बोलता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मुझे जानने में आई है कि तुम ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते हो, ट्रेड्स पीपल मतलब कि मर्चेंट से नहीं मिलते हो, ऐसा क्या बात है कि तुम ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते हो। अब देखिए जिराड बोलता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, कंसिडरेबल बच्चों बोलते हैं सिग्निफिकेंट, ऐसा लगता है तुमने बहुत ज़्यादा समस्या उठाया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाया है इस बात को जानने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कार है कि नहीं, एटसेट्रा। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। यू हैव बिन सो मॉडेस्ट, और तुम बहुत मॉडेस्ट रहे हो, बच्चों मॉडेस्ट बोलते हैं वैसे पर्सन को जिसका बिहेवियर बहुत ही डिसेंट रहा हो, अच्छा रहा हो। हालांकि इंट्रूडर का बिहेवियर मॉडेस्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो जिराड को डरा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, लेकिन फिर भी जिराड उसको बोलता है कि तुम मॉडेस्ट रहो, ताकि वो इंट्रूडर कुछ अपने बारे में बताए और कुछ समय मिल जाए जिराड को कुछ सोचने के लिए कि मैं उसको उससे कैसे, उसको कैसे अवॉइड करूँ, उसे कैसे बच के निकलूँ। इंट्रूडर बोलता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोच रहे हो कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन स्मार्टनेस के वर्ल्ड में मैं सबसे टॉप क्लास पे हूँ, मतलब कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गोट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, मेरे पास ब्रेन्स हैं और मैं उसको यूज करता हूँ, दैट इज़ हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव, और इसी ब्रेन का यूज़ करके इसी तरीका से मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। जिराड बोलता है एंड वेयर प्रसादली, प्रसादली मतलब एग्जैक्टली, एंड वेयर प्रसादली हैव यू गोट, वो जो तुम्हारे पास ब्रेन है वो तुमको कहाँ से मिला, कहाँ से पाए। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इंटू माई लिटिल कॉटेज, ब्रेक इंटू मतलब कि फोर्सफुली किसी के घर में घुसना, तो मेरे कॉटेज में घुसने के लिए किसी बड़े दिमाग वाले पर्सन की ज़रूरत नहीं है, तुमको ये दिमाग कहाँ से मिला। इंट्रूडर बोलता है
वेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तो तुम बहुत सरप्राइज फील करोगे, एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ये बिल्कुल भी एक प्लेजेंट सरप्राइज, हैप्पी वाला सरप्राइज नहीं होगा। जिरार्ड बोलता है विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मतलब कि तुम इतने इफेक्टिवली अपने आप को शो कर रहे हो, बता रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, यह तो समझने लायक है। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, बाय द वे बता दो कि तुम कौन सा पर्टिकुलर क्राइम करते हो, और आरंट यू स्पेशलिस्ट, या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो क्या, किसी पर्टिकुलर क्राइम में तुम्हारा स्पेशलिटी नहीं है क्या। इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, मैं गहने आभूषण को रॉबरी में क्या हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और तुम्हारा कार मुझे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, हेल्प करेगा यहाँ से निकलने में। इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस, उसके कार को बोला गया है डैंडी बस, डैंडी बोलते हैं बहुत फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट रेट का, सचमुच तुम्हारा जो कार है ना वो बहुत ही डैंडी है, फर्स्ट क्लास का है। जिराड बोलता है आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, वाइल्ड्स में जो बोलते हैं जंगल, ओके, रूरल एरिया, तो ये बोलता है कि एसेक्स का जो रूरल एरिया है यहाँ पे बहुत दूर दूर इलाकों तक ज्वेलरी का शॉप नहीं है, तो तुम ज़्यादा रॉबरी तो तुम कर नहीं पाते होगे। इंट्रूडर बोलता है सो आर द कॉप्स, अगर ज्वेलरी की शॉप्स कम है तो पुलिस की भी संख्या यहाँ पे बहुत कम है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, और कुछ समय तक मैं तुम्हारे घर पे यहाँ पे रुक सकता हूँ। जिराड बोलता है यू मीन टू लीव विथ मी, तुम्हारा मतलब यह हुआ कि तुम मेरे साथ यहाँ घर में रुकोगे। अ ट्राइफल, ट्राइफल मतलब ऑफ लिटिल वैल्यू, अ ट्राइफल सडन इजेंटेड, ये तो बहुत ही कम वैल्यू का तुम बात बोल दिए। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुम्हें तो यहाँ इन्वाइट भी नहीं किया गया, तो तुम मेरे साथ यहाँ क्यों रुकोगे। इंट्रूडर बोलता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकोगे, सो आई डिंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैं ये समस्या ये नहीं ठीक समझा, ट्रबल उठाया तुमसे पूछने के लिए कि मैं यहाँ पे रुकूँ कि नहीं रुकूँ, क्योंकि तुम ही यहाँ पे खुद नहीं रुकोगे। तो जिराट बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या हुआ। इंट्रूडर बोलता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, चलो मैं तुमको अब सरप्राइज बता ही देता हूँ, दे ही देता हूँ, आई एम गोइंग टू किल यू, क्योंकि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें किल करने जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम ही नहीं रहोगे इस घर में, और तुम्हारे आइडेंटिटी को हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारा रूप लेकर के मैं यहाँ पर रहूँगा, और पुलिस से हमेशा हमेशा के लिए बच जाऊँगा। क्यों ऐसा कहता है इंट्रूडर, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर में उसके बहुत ही करीब वो दिखता था, इंट्रूडर था जो जिराड के बहुत ही समीप दिखता था, और जिराड को बहुत कम लोग जानता भी था, इसलिए सोचा कि मैं जिराड की आइडेंटिटी लेकर के हमेशा हमेशा के लिए पुलिस से बच जाऊँगा। जिराड बोलता है अ लिटिल हार्स इजंट इट, ये तो तुम बहुत क्रुएल्टी वाला बात कर दिए छोटा थोड़ा सा है ना। इंट्रूडर बोलता है विथ हैप्पी सरकाजम, सरकाजम के साथ, बच्चों सरकाजम इस एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन को सरकाजम बोलते हैं, या ऐसे राइटिंग स्पीच एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसका मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं बिल्कुल उल्टा कहना, एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं सरकाजम, जनरली किसी को मॉक करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। तो इंट्रूडर सरकाजम के साथ बोलता है या आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ मैं बहुत सॉरी हूँ, सॉरी रहूँगा ऐसा करने के लिए, तुम्हें किल करने के लिए। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, हालांकि आई हैव टेकन ए फैंसी मतलब कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, बट इट इज़ नॉट जस्ट, इट हैज़ जस्ट गोट टू बी डन, लेकिन मुझे करना ही है, मुझे तुम्हें किल करना ही है। एक और तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें स्टार्ट लाइकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया हूँ, दूसरी ओर बोल रहा है वो उल्टा क्या कि मुझे तुम्हें किल भी करना है, इसी को बोला क्या सरकाजम, ओके। जिराट बोलता है वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तो तुम अदर क्राइम्स, तो एक तो पहले से ही तुम ज्वेल्स का रॉबरी कर रहे हो, गहने आभूषण चोरी कर रहे हो, तो फिर तुम दूसरे क्राइम में तुम एक और मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो, एक और क्राइम क्यों करना चाहते हो। इट इज़ ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, सचमुच में तुम एक सीरियस स्टेप, ग्रेव स्टेप तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर बोलता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक के लिए से नहीं करने जा रहा हूँ। आई हैव बिन हंटेड लॉन्ग एनफ, हंटेड मतलब कि मुझे सर्च किया जा रहा है बहुत समय से। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, पहले से ही मुझे मर्डर के लिए सर्च किया जा रहा है क्योंकि मैं किसी का मर्डर कर दिया हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और दे मतलब यहाँ पे कॉप्स पुलिस के लिए आया है, और वो लोग मुझे दूसरी बार हैंग नहीं कर सकते हैं, मतलब सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारा रूप ले लूँगा तो एक तो मुझे ऑलरेडी पहले वो सज़ा मिल चुकी है, लेकिन अब मैं जब तुम्हारा रूप लेकर के रहने लगूँगा तो मुझे वो दोबारा वो हैंग नहीं कर सकते हैं। जिराट बोलता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्यूटस डबल, ग्रेटस मतलब अननेसरी तुम ये काम कर रहे हो, अननेसरी तुम काम करने जा रहे हो, सो टू स्पीक। एडमिटेड मतलब आई एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हारे पास पाने के लिए क्या है। अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास पाने के लिए क्या है, व्हाट हैव यू टू गेन, इसलिए तुम ऐसा ना करो। इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे पास पाने के लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हंटेड रैट,
मैं एक पुअर 100 रैट की तरह फील करता हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, और मैं तुम्हारा रूप लेकर के विंसेंट चार्ल्स जिराड की तरह लेकर के आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फ्री रहूँगा एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे तुम कुछ लोग से मिलते हो मैं वैसा ही घूमता रहूँगा, कुछ लोग से मिलता रहूँगा। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकता हूँ, एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट, बीट इट मतलब गो अवे, मैं अच्छे से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, और विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, जब भी मैं किसी कॉप का नज़र मुझे पड़ेगा, पुलिस का नज़र पड़ेगा, तो उसको देख करके मैं बीट इट मतलब कि उसको देख करके मैं भागूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, तो इस तरह का मेरा लाइफ हो जाएगा, बहुत ही आसानी से मेरा जीवन आगे का कट जाएगा जब मैं तुम्हारा फॉर्म ले लूँगा तब। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है जिराड, इन मोस्ट मेलोड्रामास, अधिकांश मेलोड्रामास में क्या होता है, द विलेन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। अधिकांश मेलोड्रामास में क्या होता है कि जो विलेन होता है ना, जो बैड पर्सन होता है, जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा फुलिश होता है, इतना फुलिश होता है टू डिले हिज किलिंग, अपने किलिंग को डिले करता है लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और किलिंग को डिले करता है और फिर वो आगे जाकर क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है, और इतना में हीरो आकर के विलेन को किल करता है और जिसको छुराना होता है लेके चला जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि अधिकांश मेरे ड्रामाज में यही होता है। अब इंट्रूडर बोलता है, आई एम ओके, आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ के लिए एक रीजन है, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड, अब मैं बनने जा रहा हूँ विंसेंट चार्ल्स जिराड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, देखो अब मुझे पता चल गया कि वो कैसे बात करता है, जो मतलब इंट्रूडर बोल रहा है जिराड को कि मुझे पता चल गया कि तुम कैसे बात करते हो, तो इसलिए मेरे पास ये रीजन हो गया कि मैं क्यों तुम्हारा आइडेंटिटी को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं लोगों से मिलूंगा, कुछ लोगों से, तो तुम्हारे ही अंदाज में मैं बात करूंगा, और मैं पुलिस को इजिली डॉज कर सकता हूं, उसको मैं इजिली अवॉइड कर सकता हूं, बच सकता हूं, और इजिली अपने लाइफ को स्पेंड कर सकता हूं। फिर आगे बोलता है इंट्रूडर, नाउ आई नो, अब मैं जानता हूं, दैट पॉस स्टफ, पॉस मतलब कि एलिगेंट फैशनेबल, स्टफ मतलब कोई भी चीज़ जो अभी जिराड पहने हुए था उसके पास था, कम सी जी, कहता दैट पॉस स्टफ कम सी जी, बहुत ही आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, दिस इज मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग, मैं लोगों से ऐसे ही बात करूंगा, वीसी मतलब विंसेंट चार्ल्स जिराड स्पीकिंग, पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग, फोन लेकर के वो पैंटोमाइम कर रहा है, पैंटोमाइम बच्चों बोलते हैं टू से समथिंग बाय यूजिंग और बॉडी लैंग्वेज, तो फोन उठा करके वो अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करके वो बात कर रहा है इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, और बहुत ही सभ्य मैनर में, एक वेल मैनर्ड में बात कर रहा है, एंड दैट इज नॉट ऑल, इतना ही नहीं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है, गेट अप ए मिनट जिराड स्टैंड्स, और वो जिराड को भी बोलता है कि तुम भी एक मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, तो जिराड खड़ा होता है और क्या बोलता है, नाउ टेक ए लुक एट मी, अब तुम मेरी ओर देखो, तो जिराड उसकी ओर देखता है इंट्रूडर की ओर, और जिराड देखने के बाद क्या बोलता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम पर्टिकुलरली खास रूप से डेकोरेटिव सुंदर नहीं दिख रहे हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो इंट्रूडर बोलता है नो नहीं, वेल दैट गोज फॉर यू टू, तो ठीक है तुम भी डेकोरेटिव नहीं दिख रहे हो, तुम भी अच्छे नहीं दिख रहे हो। फिर आगे इंट्रूडर बोलता है, आई हैव ओनली गुड टू वियर स्पेक्स, स्पेक्स मतलब स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, अब मुझे सिर्फ गूगल्स पहनना है, चश्मे पहनना है, एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, और मैं तुम्हारे जैसा पर्याप्त दिखने लगूंगा, उसके बाद मैं आसानी से यहाँ से जा सकता हूँ। जिराड बोलता है, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ, लेकिन तुम्हारे क्लॉथ का क्या, कपड़े का क्या, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, दे यहाँ आया पुलिसमैन के लिए, तो कहता है जिराड कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो दे विल लेट यू डाउन, तुम्हें वो पकड़ लेंगे और तुम्हें लेट यू डाउन मतलब तुम्हें निराशा हाथ लगेगी, डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें फील करना होगा। इंट्रूडर बोलता है, दैट विल बी ऑल राइट, ठीक है, योर्स विल फिट मी फाइन, अगर मुझे ऐसी, अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो तुम्हारा कपड़ा मैं पहन लूँगा, योर्स विल फिट मी फाइन, योर्स मतलब कि योर क्लॉथ विल फिट मी फाइन, तुम्हारा क्लॉथ मुझे ज़्यादा फिट करेगा तो तब तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। तब जिराड बोलता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात तुम बोल दिए, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन जो मैं रिमार्क कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने बात करता हूँ कह रहा हूँ, उसके तुम पॉइंट को मिस कर रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। I said you were luckier than most melodramatic villains. मैंने पहले भी कहा था कि तुम अधिकांश melodramatic villains से ज़्यादा luckier हो, तुम ज़्यादा lucky हो, क्योंकि वो ऐसा statement पहले भी बोल दिया था। तो melodramatic villains, वो बोला था ना कि अधिकांश melodramatic melodrama में क्या होता है ना कि villains जो होते हैं वो killing को बहुत delay करते हैं और फिर उन्हें disappointment, निराशा हाथ लगती है, फिर वो kill कर नहीं पाते हैं, लेकिन तुम उनसे ज़्यादा luckier हो क्योंकि तुम्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। ओके, तुम मुझे किल करने में तो रोक तो देरी तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें निराशा नहीं लगेगी जैसा कि अधिकांश मेलोड्रामेटिक विलन्स को डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन उनको होता है, तुम फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें फील नहीं करना होगा, तुम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। आगे बोलता है जिराड, इट वॉज नॉट ए ट्रीब्यूट टू योर इंटेलिजेंस,
और ये तुम्हारे इंटेलिजेंस के लिए गिफ्ट के रूप में नहीं है, जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ये तुम्हारे इंटेलिजेंस के लिए एक गिफ्ट के रूप में नहीं है। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, एक बहुत अच्छे रीजन के लिए तुम मुझे नहीं मारोगे। इंट्रूडर बोलता है, सो दैट इज़ वॉट यू थिंक, तो अच्छा तुम ऐसा सोचते हो। जिराट बोलता है, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तुम मुझे जाने दोगे और गॉड को थैंक यू बोलो कि तुम मुझे जल्दी से शूट नहीं किए। इंट्रूडर बोलता है, कम ऑन व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, बेटर बी क्यू, जल्दी करो, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो कॉन्वर्सेशन है मुझे बोर कर रहा है। जिराट बोलता है, योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस, एल्यूड मतलब अवॉइड, एस्केप, पुलिस से तुम्हारा आइडिया ये है ना कि तुम पुलिस को एल्यूड करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, बच के निकलना चाहते हो बाइक किलिंग में मुझे मार करके, एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरा तुम पहचान को टेक ऑन एक्वायर करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, यही तुम आइडिया पे काम कर रहे हो ना। तो इंट्रूडर बोलता है, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये आइडिया बहुत पसंद है। जिराट बोलता है, बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये आइडिया तुम्हें मदद करने जा रहा है। इंट्रूडर बोलता है, नाउ लिसन हियर, अब तुम यहाँ पे सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैं सारा कुछ प्लानिंग पहले से कर चुका था, ऐसा इंट्रूडर बोल रहा है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं एक शहर में जॉब किया कर रहा था, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत हो गई थी और इसके कंसिक्वेंस में इसका नतीजा क्या निकला कि मैंने एक कॉप पुलिसमैन को किल कर दिया था। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और तब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भागने के सिवा, डॉजिंग करने मतलब कि अवॉइड करना, पुलिस को अवॉइड कर रहा हूँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैं भागता फिर रहा हूँ, तब से मैं भागने के सिवा, डॉजिंग के सिवा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जिराट बोलता है, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और यही कारण है कि तुम डॉजिंग करते करते भागते भागते डॉजिंग हैज़ तुम्हें यहाँ लेके आ गया है। इंट्रूडर बोलता है, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, नहीं डॉजिंग करते करते भागते भागते मैं एल्सबरी पहुँचा था। बच्चों एल्सबरी है इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन है। तो दैट इज़ वेयर आई सॉ यू इन द कार, और एल्सबरी में ही मैंने तुम्हें कार में देखा था। टू अदर पीपल सॉ यू, दो और भी लोग तुम्हें देखे थे, एंड आई स्टार्टेड टू टॉक, और वो दोनों लोग तुमसे बात करना शुरू कर दिए। आई लिसेंड, मैं वहाँ नज़दीक गया और तुम तीनों के कन्वर्सेशन को मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्यूअर, मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ा थोड़ा सा क्या हो, क्यूअर हो, क्यूअर मतलब कि अस्ट्रेंज टाइप के व्यक्ति हो, विचित्र टाइप के व्यक्ति हो, काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, तुम एक मिस्ट्री मैन हो, रहस्य वाले व्यक्ति मुझे लगे। जब तुम्हारा कन्वर्सेशन को अन्य दो व्यक्तियों के साथ कन्वर्सेशन को मैंने सुना तो मुझे लगा कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो। जिराट बोलता है, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, हाँ एक मिस्ट्री तो है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तुमसे। इंट्रूडर बोलता है, डिसरिगार्डिंग हिम, उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हुए, उसके बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेते हुए इंट्रूडर बोलता है, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे, तुम अपने ऑर्डर्स के लिए फ़ोन करते हो और समटाइम्स यू गो अवे, कभी कभी तुम यहाँ से जाते हो सडनली अचानक से, एंड कम बैक जस्ट द सेम, और सडनली तुम आ भी जाते हो, तुम्हारा यही डेली का रूटीन है। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, और वही सारी चीज़ें मैं भी करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लकीस्ट ब्रेक्स था, लकीस्ट ब्रेक मतलब कि एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, सफलता का एक मौका था। जिराट बोलता है, अपेरेंटली मतलब क्लियरली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, मतलब तुम्हारे पास इतना भी इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है टू आस्क, यह पूछने के लिए या जानने के लिए कि वाई आई एम इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब इन्वॉल्व्ड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, मैं इस रहस्य का चादर ओढ़ करके क्यों मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। क्लॉक मतलब कोई भी आउटर गारमेंट, यहाँ पे जनरली ब्लैंकेट से लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे रहस्य का चादर ओढ़ के क्यों यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, क्या तुम्हारे पास इतना भी इंटेलिजेंस नहीं है जानने का मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे भी तो शौक करता है लोगों के बीच रहने का, शहर में रहने का, तो मैं फिर यहाँ पे छोटे से कॉटेज में क्यों रह रहा हूँ, तुम्हें पता है। इंट्रूडर बोलता है, प्रिपेयरिंग टू शूट, उसको शूट करने के लिए वो रेडी हो रहा था इंट्रूडर। तो एज आई सेड बिफोर, इंट्रूडर बोलता है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स में, ये कॉन्वर्सेशन है जो मुझे बहुत बोर करता है, जल्दी बताओ क्लियरली तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो जिराट बोलता है, डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो, इफ़ यू शूट, अगर तुम मुझे शूट करते हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम्हें श्योरली तुम्हें फांसी होगी, तुम्हें सजा होगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर तुम्हारे अपने क्राइम को लेकर के तुम्हें सजा नहीं होगी, देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराट, तो फिर तुम्हें मेरे क्राइम को लेकर के सजा होगी, क्योंकि मैं भी एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, मैं भी एक कोई सामान्य पर्सन नहीं हूँ, मैं भी एक क्रिमिनल हूँ तुम्हारे जैसा, और तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल हूँ, ऐसा बोलता है कि तुम्हें अगर तुम्हें अपने क्राइम को लेकर के सजा नहीं होगी, तो तुम्हें मेरे क्राइम को लेकर के सजा होगी। इंट्रूडर बोलता है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो गया। जिराट बोलता है, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, अब ये तुम्हारा बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि तुम मुझे बहुत पहले सरप्राइज दे रहे थे, अब ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है कि अगर तुम मुझे किल करोगे तो तुम्हें मेरे क्राइम को लेकर के तुम्हें सजा मिलेगी। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट,
मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था. व्हाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे, तुम्हें क्यों लगता कि मैं आज यहाँ पे हूँ, एंड गोन टुमारो, और कल मैं कहीं और चला जाता हूँ. नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैं बहुत कम मर्चेंट से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ. यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरा आदत है तुम्हें सूट करेगा. यू आर ए क्रूक, तुम एक क्रूक हो, क्रूक मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन हो, तुम्हें यह भी पता नहीं है. डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, यहाँ पे संडे स्कूल टीचर मतलब कि बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन. क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ, यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मैं क्यों यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, लोगों से नहीं मिलता हूँ, अचानक से जाता हूँ, अचानक से आता हूँ, मतलब कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, अगर तुम मुझे किल करोगे तो तुम्हें मेरे क्राइम को लेकर के तुम्हें सजा मिलेगी. द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न, अब गेम ओवर हो गया जहाँ तक मुझे, जहाँ तक मेरा संबंध है. थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई थी. आई सेड इट विथ बुलेट्स, और मैंने इसका जवाब बुलेट्स दिया, गन के बुलेट्स दिया, मतलब कि इसका जवाब मैं किसी को किल करके दिया, और तब से मेरे पीछे भी पुलिस भाग रही है. एंड गोट अवे, और मैं भाग गया वहाँ से किसी को किल करके. ये सारा बात कौन बोल रहा है, जिराड बोल रहा है. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे गोट वन ऑफ माई मैन, उन लोगों ने, दे यहाँ पे आया पुलिसमैन के लिए, उन लोगों ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया. कई सारे आदमी थे लेकिन उनमें से एक आदमी मेरा पकड़ा गया. एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और पुलिस वालों ने उस आदमी से कुछ चीज़ें ऐसे प्राप्त कर ली जिसको मेरे दोस्त को, उस आदमी को जला देना चाहिए था, लेकिन उस आदमी ने जलाया नहीं, पुलिस वाले के हाथ लग गई. Tonight I am expecting trouble. आज रात मुझे कुछ समस्या होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है. My bag is packed. देखो मेरा बैग वहाँ पे दीवान बेड पर रखा हुआ है, पैक्ड है, रेडी टू क्लियर ऑफ, और मैं यहाँ से क्लियर ऑफ जाने के लिए रेडी हूँ. देयर इट इज, देखो वहाँ पे मेरा बैग है. तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों प्रिपेयर कर रहा था, यहाँ से जाने के लिए मैं क्यों रेडी हो रहा था. इंट्रूडर को अब समझ में नहीं आएगा, ये बहुत, अब ये स्केप्टिकल डाउटफुल हो जाएगा. बोलता है इट इज़ ए बैग, ऑल राइट, ठीक है वो बैग है. एंड दिस इज़ ए गन, ऑल राइट, देखो मेरे हाथ में एक गन है. तुम ज़्यादा तेज मत बनो, तुम ज़्यादा भी इंटेलिजेंट बन रहे हो. वॉट इज ऑल दिस, ये क्या हो रहा है तुम, जिराड बोलता है. दैट इज़ ए डिसगाइज्ड आउटफिट, देखो मेरे पास एक डिसगाइज मतलब कि अपने आउटफिट, मतलब कि क्लॉथ वगैरह, जनरली मोस्टास वगैरह, बियर्ड वगैरह. तो देखो मेरे पास एक डिसगाइज आउटफिट है, अपने आप को मैं डिसगाइज किया हुआ हूँ, ढके हुआ हूँ नकली चीज़ों से. फॉल्स मोस्टास मेरे पास है, नकली मोच है. एंड वॉट नॉन, और क्या क्या नकली नहीं है, देखो यहाँ पर सब कुछ मेरे पास नकली है. हालांकि वो एक प्ले राइट था, ड्रामाटिस्ट था, तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए थी. नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मेरा विश्वास हो रहा है ना कि मेरे पास ये सारी चीज़ें क्यों हैं, जो क्योंकि मैं इसका यूज़ करके मैं यहाँ से इजिली भाग सकता हूँ. इंट्रूडर बोलता है म्यूजिंगली, सोचते हुए, थॉटफुली, मतलब कि अब वो सचमुच में सोचने लगा कि लग रहा कि ये सही थी तो बोल रहा है. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है. इंट्रूडर बोलता है कि मुझे पता नहीं है. जिराड बोलता है फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स, तो फॉर गॉड सेक, मडल मतलब कन्फ्यूज हेड, तुम्हारा जो कन्फ्यूज हेड है ना उसको तुम क्लियर करो. एंड लेट्स गो, यहाँ से चलो. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. इन द कार, कार में आओ. आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें सेव कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ. इफ़ यू फाइंड इट इज़ ए फ्रेम, फ्रेम मतलब ट्रैप, अगर तुम्हें लगेगा कि ये ट्रैप है, मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ. यू हैव गोट मी इन द कार, तो तुम हमारे साथ में कार में ही रहूँगा. एंड यू हैव स्टिल गोट योर गन, और तुम्हारे पास गन रहेगा कार में, तुम कभी मुझे किल कर सकते हो. तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तुम चलो यहाँ से, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे. इंट्रूडर बोलता है मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही हो. अब देखो इंट्रूडर को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है जिराड के बातों पे, मतलब जिराड किसी न किसी तरीके से उसे अपने बात को अपना मनाने में कामयाब हो ही गया. जिराड बोलता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तब फिर टाइम वेस्ट मत करो. गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, अब जिराड जाता है और अपने हैट को उठाता है, सर पे रखता है, और बैग को उठाता है. इंट्रूडर बोलता है केयरफुल, सावधान रहना बॉस, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. इंट्रूडर बोलता है कि सावधान रहिएगा, नहीं तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो मैं तुम्हें किल कर सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ. जिराड बोलता है आई हैव गोट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, देखो मेरा एक आदमी है जो मेन रोड पर पोस्टेड है, खड़ा है. ही विल रिंग अप इफ ही सीज द ट्रबल, जैसे ही कोई अगर उसे समस्या, ही सीज द पुलिस, जैसे ही वो पुलिस को देखेगा ना तो मुझे वो रिंग अप करेगा, कॉल करेगा. बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मुझे यहाँ से जाना नहीं है. टेलीफोन वेल रैंग्स, जैसे ही वो इतना बोलता है ना कि टेलीफोन वेल रिंग करना शुरू करता है, कम ऑन, तो ये बोलता है कि देखो देखो फ़ोन रिंग करने लगा, इसका मतलब कि वो आदमी रोड पे पुलिस को देखा होगा, जल्दी यहाँ से भागना शुरू करो. दे आर आफ्टर अस, वो लोग हमारे पीछे हैं. दो हेयर स्ट्रेट टू द गराज, चलो यहाँ से सीधा हम लोग गराज में चलते हैं. अब बच्चों आप लोग शुरू में पढ़े होंगे कि वो जिराड है जो शुरू में प्ले के शुरुआत होने से पहले वो कुछ बात कर रहा था फ़ोन पे, और बोल रहा था कि मैं 10 मिनट्स टाइम में मैं वहाँ पे आ जाऊँगा. लेकिन देखिए 10 मिनट का टाइम हो गया था और
जिराड वहाँ नहीं पहुँचा होगा तो फिर से वही आदमी इन्हें फ़ोन किया होगा। तो जिराड को ये आइडिया होगा कि कभी ना कभी 10 मिनट के बाद फ़ोन बजने ही वाला होगा, और उसका ये आइडिया सही निकला और बिल्कुल सही टाइम पे फ़ोन भी आया, जो कि ये इंट्रूडर को थोड़ा सा और भी अनकम्फर्टेबल फील कराता है कि सच में ये सही बोल रहा है। तो इंट्रूडर अब क्या बोलता है, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे जानूँ कि तुम अब सच बोल रहे हो। जिराड बोलता है, ओह डोंट बी ए फूल, तुम मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, खुद का ख्याल रखो, देखो अपने बारे अपने आपको देखो। जिराड ओपन डोर, जिराड है जो दरवाज़ा खोलता है एंड स्टेप्स अवे, और दरवाजे से थोड़ा सा साइड हो जाता है, दरवाज़ा के अंदर खुद वो नहीं जाता है, दरवाजे के अंदर थोड़ा साइड हो जाता है और जिराड बोला गया कि पहले तुम चलो। इंट्रूडर लेंस फॉरवर्ड, इंट्रूडर जैसे ही आगे झुकता है दरवाजे में एंटर करने के लिए, टू इंस्पेक्ट इट, आगे इंस्पेक्ट करने के लिए कि दरवाज़ा कितना बड़ा है, क्योंकि अंदर डार्कनेस था, विथ हिज साइड टुवार्ड्स जिराड, और एक साइड तरफ कौन, जिराड खड़ा है। तो जैसे ही वो दरवाजे में अपने हेड को इंटर कराता है, नीचे झुकता ही है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और रिवॉल्वर वो रेडी किए हुए था। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही अपने हेड को टर्न करता है, उसमें इंटर कराता है, जिराड गिव्स हिम ए पुश, तो जिराड उसको एक पुश देता है, धक्का देता है इनटू द कवर्ड, क्योंकि वो दरवाज़ा नहीं था, एक बड़ा सा कवर्ड था, अलमीरा था, तो उसमें उसको धक्का देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और रिवॉल्वर को नॉक करते हुए गिराते हुए उसके हाथ से बाहर गिराता है। ही स्लैम्स द डोर, दरवाजे को जोर से स्लैम करते हुए, धक्का देते हुए बंद करता है, अनलॉक्स इट, जिराड है जो बंद करता है, फाइनली है जो उसमें वो बंद हो गया है, कौन, इंट्रूडर। पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर को उठाता है एंड गोज टू द फोन, और फोन जो रिंग कर रहा था उसके पास जाता है, उठाता है और क्या बोलता है, वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कवर्ड डोर, और फोन उठा करके जिराड के हाथ में अब गन आ गया है और गन को कवर की तरफ पॉइंट किए हुए वो बात कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों वो टैकल कर लिया, इस सिचुएशन से बाहर निकल गया है। हम लोग पाते हैं कि जिराड ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, कूल टेम्परामेंट के कारण, ये सारे चीज़ों के कारण वो उस समस्या से बाहर निकल जाता है बहुत ही इजी मैनर में। और देखिए कि जो कवर था उसको ऐसा यकीन हो रहा था कि यह दरवाज़ा है, जबकि वो दरवाज़ा नहीं था बल्कि एक कवर था जिसमें अब इंट्रूडर है जो बंद हो गया है। अब इंट्रूडर क्या बोलता है, इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शॉट्स, इंट्रूडर क्या कर रहा है, रैटल कर रहा है, रैटल मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं रैटलिंग साउंड। तो वो अंदर बंद है और वो कवर्ड के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है, हिट कर रहा है, तो रैटल्स डोर, डोर को वो रैटल कर रहा है एंड शॉट, चिल्ला रहा है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से जाने दो। जिराड, हेलो, यस, जिराड फोन उठाते हुए बोलता है, यस स्पीकिंग, बोलते हुए, सॉरी आई कॉन्ट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, सॉरी मैं आपको प्रॉप्स नहीं दे सकता हूँ। बच्चों प्रॉप्स बोलते हैं, ये स्टेज पे आर्टिस्ट लोग, ड्रामाटिस्ट लोग यूज़ करते हैं इस सारी चीज़ों को, जनरली कॉस्ट्यूम को छोड़ करके जो सारी चीज़ें जो ड्रामाटिस्ट यूज़ करते हैं स्टेज पे उसको बोलते हैं प्रॉप्स। तो ये बोलते हैं कि सॉरी मैं टाइम पे रिहर्सल के लिए आपको प्रॉप्स नहीं दे सकता हूँ, आई हैव एड अ स्पॉट ऑफ वदर, मुझे कुछ समस्या आ गई थी, क्वाइट अम्यूजिंग, और ये बहुत ही अम्यूजिंग है, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मुझे लग रहा है कि अगले नाटक में मैं इस प्रॉप्स को दे पाऊंगा रिहर्सल के लिए। लिसन, हाँ सुनिएगा, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जन, सर्जन मतलब यहाँ पुलिस, तो क्या आप अपने दोस्त जो सर्जेंट है उसको बोल सकते हैं टू कम अप हियर एट वंस, यहाँ पे आने के लिए मेरे घर पे जल्दी अभी, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, आपको वो सर्जेंट हो सकता है पब्लिक बार में मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए कि कितने इंटेलिजेंट वे में जिराड है जो इस समस्या से बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ अपने लाइफ को भी सेव करता है और एक बहुत बड़े नोटोरियस क्रिमिनल को भी पकड़वाने में मदद करता है। तो बच्चों होप आप लोगों को ये प्ले का मीनिंग समझ में आया होगा, आप इसको समझ गए होंगे, अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।